नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आपको इंतजार होगा टेक दिस वीक का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जियो फोन से। जी हाँ, जियो ने 2020 हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को लॉन्च किया है और यह जो ऑफर है वो जियो फोन 4G यूजर के लिए है और जियो फोन के लिए भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो 4G यूजर के लिए, जो जियो सिम का यूज कर रहे हैं, तो उनको जो है यह प्लान जो है 2020 यानी कि 2020 रुपए में मिलेगा और इसकी वैधता जो है वो 1 साल के लिए है और आपको हर रोज 1.5 GB डेटा मिलेगा। आप कॉलिंग की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जियो टू जियो जो कॉलिंग है वो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन जब जियो से आप दूसरे नेटवर्क पे करेंगे तो आपको साल में 12,000 मिनट का कॉलिंग जो है वो मिलेगा। वहीं जब हम जियो फोन पे आते हैं, जो जियो का सस्ता फोन है, जियो फोन पे आते हैं तो वहां आपको हर रोज जो है वो 0.5 GB डेटा मिलेगा, यानी कि साल भर में आपको 365 दिन हर रोज 0.5 GB डेटा का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग जियो टू जियो फ्री है और जियो टू दूसरे नेटवर्क पे जो है 12,000 मिनट इसमें भी मिलेगा। इसके बाद अगर आप किसी भी कॉलिंग करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं जियो से दूसरे नेटवर्क पे, तो आपको 10 रुपये का जो है वो रिचार्ज कराना होगा या इसके अलावा 20 का 50 का जो उनका प्लान है वो FUP प्लान जो है वो लेना होगा। तो इस और एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ यहाँ पे कि जियो फोन का जो ऑफर है 2020 का, उसमें आपको जियो फोन मुफ्त में मिलेगा। ओप्पो ने अपना F सीरीज भले ही डिसकंटिन्यू कर दिया हो, लेकिन वीवो अपने V सीरीज को कंटिन्यू करने वाला है और 91 मोबाइल्स के पास इस सीरीज को लेकर के खास खबर है। खबर है कि कंपनी जो है वो वीवो IPL 2020 से पहले V19 और V19 Pro को इंडिया में लॉन्च कर सकती है और IPL के दौरान इसके प्रमोशन जो एड है वो आपको देखने को मिल पाएंगे। हाँ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइस जो है वी सीरीज का 20,000 से 30,000 का सेगमेंट है और उसी रेंज में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन कंपनी चाह रही है कि इसे जितना जल्दी लॉन्च कर सके। Honor 9X को चाइना में बहुत पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडियन यूजर के पास जो सवाल थे कि यह फोन इंडिया में कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी में Honor 9X इंडिया में आ रहा है। इसके साथ ही मैजिक वॉच 2 को भी कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाली है। अब आपका जो सवाल होगा कि स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इस फोन में आपको 6.59 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगी और इसे जो है वो Huawei के Kirin 810 चिपसेट पे लॉन्च किया जाएगा। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और आपको फ्रंट में जो है वो 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइस तो मैं आपको बता दूं कि जो फोन है वो मिड रेंज सेगमेंट का होगा और अंडर 20 के इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। पिछले सप्ताह ही 91 मोबाइल्स ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि वीवो S1 Pro को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और आज इस फोन का डेट और प्राइस हमारे पास है। 4 जनवरी को यह फोन जो है वो इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत जो है वो होगी 19,990 रुपए। जहां तक स्पेसिफिकेशन की बात है तो इस फोन में आपको 6.38 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट पे लॉन्च किया जाएगा और इंडिया में फिलहाल 8 GB और 128 GB का मेमोरी वेरियंट होगा। कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो फास्ट चार्जिंग 18 वाट के साथ में उपलब्ध होगा। 2019 में 5G की चर्चा थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो 5G है वो शुरू होगा। हर कोई 5G की ही बात करेगा। ओप्पो ने, सैमसंग ने अपने 5G फोन की घोषणा कर दिया, वहीं इस सेगमेंट में जो है वो रियलमी का नाम आ गया है। जी हाँ, रियलमी 7 जनवरी को चाइना में अपना X50 मॉडल को लेकर आ रही है और इस फोन में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। फोन के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको 50 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा जो कि X2 Pro में था। इस सप्ताह हमारे पास वीवो को लेकर के काफी खबरें हैं। अभी हमने Vivo V19 की बात की और अब बात करेंगे Y11 की। Y11 मॉडल को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इसका प्राइस जो है वो 18,990 रुपए है। फोन के स्पेसिफिकेशन की ओर जब हम रुक करते हैं तो इस फोन में आपको मिलेगा 6.35 इंच का HD प्लस स्क्रीन और वाटर ड्रॉप नॉच भी इसमें उपलब्ध है। जो यह फोन है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट पर काम करता है। 3 GB और 32 GB की मेमोरी है और इसके अलावा जो कैमरा है वो 13 MP का डुअल कैमरा रियर दिया गया है और फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी बड़ी है, 5000 mAh की बैटरी है। हाँ, फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस की जब हम तुलना करते हैं तो इसे एक अच्छा फोन कहा जाएगा क्योंकि यह ऑफलाइन में उपलब्ध है। ओप्पो रेनो 3 और ओप्पो रेनो 3 प्रो की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन अब इसके स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं क्योंकि इन फोन को चाइना में लॉन्च
कर दिया गया है। दोनों फोन 5G सपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके काफी अंतर है। पहले बात करते हैं हम ओप्पो रेनो 3 प्रो की। ओप्पो रेनो 3 प्रो में आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि 90 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं यह फोन स्नैपड्रैगन 765 चिपसेट पर काम करता है और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। पावर बैकअप के लिए 4025 एमएच की बैटरी दी गई है। जब हम ओप्पो रेनो 3 की ओर आते हैं तो इस फोन में आपको 6.4 इंच की स्क्रीन मिलेगा और आपको जो है 90 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। हाँ, कैमरे के मामले में आगे है, आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा है। बैटरी वही है 4025 एमएच और दोनों जो फोन है वो वूक चार्जिंग 4.0 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और दोनों फोन एंड्रॉइड 10 पे काम करते हैं। अब आपका सवाल होगा इंडिया में कब आ रहा, तो हमें जो जानकारी है उसके अनुसार फरवरी में इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। 5G होगा या नहीं यह भी हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के टेक दिस वीक। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।